कब्र पर फतीहा पढ़ने के लिए 500 किलोमीटर तक जाने का मौका मिल गया और मेरे राम लला का दर्शन करने का मौका आज तक आपको नहीं मिला। इसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का शव विधानसभा के परिसर में रखा जाता है। बाबूजी का शव भी विधानसभा के परिसर में रखा गया। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को 1000 किलोमीटर दूर से चल करके बाबूजी को अंतिम विदा देने आ जाते हैं, लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता 500 मीटर चल करके भी बाबूजी के ये श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नहीं आते हैं। क्या ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए? ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनको वोट चाहिए। और वोट किसका चाहिए? ये अभी पिछले दिनों ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग कहते वोट जिहाद करो, इनको वोट जिहाद के नाम पर चाहिए, इनको वोट पाकिस्तान के नाम पर चाहिए, इनको वोट मुख्तार अंसारी के नाम पर चाहिए, इनको वोट अतीक अहमद के नाम पर चाहिए, इनको वोट मोहम्मद आजम खान के नाम पर चाहिए, इनको वोट जिन्ना के नाम पर चाहिए। अब इस देश के अंदर इन सब के लोगों के नाम पर वोट मिलने वाला है क्या? मिलने वाला है क्या? अब वोट नाम के नाम पर देंगे, चाहे रोटी के नाम पर देंगे, चाहे राष्ट्र के नाम पर देंगे, चाहे भारत के उज्जवल भविष्य के नाम पर देंगे, चाहे विकसित भारत की गारंटी पर नाम वोट देंगे, चाहे बाराबंकी का इतिहास याद करो। 2014 में आपने कमल फिराया, देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया, फिर 2017 का विधानसभा चुनाव आया, उसमें आपने 325 विधायक जिताया, लेकिन 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार बनने से पहले आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूं, बताइए सपा की सरकार के समय गुंडागर्दी थी कि नहीं? अब ऐसे हाथ उड़ा रहे हैं, अब लगता है थोड़ी से थी, ठीक ही नहीं? सब लोग हाथ उड़ा बताओ, ठीक ही नहीं थी? जब आपने कमल का बटन दबाया तो गुंडागर्दी को भी दबाने की ताकत दिया कि नहीं दिया? जब सपा की सरकार थी, मैं कहता हूं जब जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, बताइए सही है कि नहीं सही? जब सपा की सरकार थी तो सपा के गुंडे, भूमाफियाओं
यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है, यह ध्यान में रख करके आप सबसे मैं विनती करूंगा 2024 इस लोकसभा चुनाव में पहली सभा बड़ी कमजोर होती है, लेकिन आज मेरी 3 सभाएं हैं, पहली सभा वाराणसी। आप सबका यह उपस्थित जनसैलाब बता रहा है कि बाराबंकी लोकसभा में कमर फिर गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कल कन्नौज में भी कमर खिल गया है और 20 तारीख को रायबरेली में भी कमर खिलने जा रहा है। ये दोनों जोड़ीदार श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी भी इस बार चुनाव अमेठी छोड़कर भागने के बाद भी रायबरेली में भी हारने जा रहे हैं। मैं आप सबका आह्वान करता हूं, ये कांग्रेस और सपा या भाजपा विरोधी इनकी गठबंधन, इनकी मंशा ठीक नहीं है। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर ओबीसी का आरक्षण छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण देने का अधिकार इस देश के संविधान ने नहीं दिया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर ओबीसी का आरक्षण छीन नहीं सकते तो सारे मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? क्या दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहिए क्या? और ये कह रहे हैं कि मोदी जी आ जाएंगे, 400 से अधिक पा जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आपको याद दिला रहा हूं 2014 में मैं भी सांसद बनकर के गया था, मोदी जी पहली बार सांसद बन के गए थे, उसके पहले विधायक थे, मुख्यमंत्री थे। जब वो संसद भवन में प्रवेश किए, आप बताइए, आप लोधेश्वर महादेव जी के मंदिर में जाते हैं तो केवल शिवलिंग की लिंग पर जल ही चढ़ाते हैं कि मंदिर में जाने से पहले माथा टेकते हैं? मेरे माने न, आप 400 पार करिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराएगा। फिल्म का गाना मेरा भारत को भारत है जिसके पीछे संसार चला, लेकिन मेरा मोदी वह मोदी है जिसके पीछे संसार खड़ा, संसार चला। इसलिए मैं कहा करता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, भारत को दुनिया में नंबर एक के स्थान पर पहुंचाने का चुनाव है, विश्वगुरु बनाने का चुनाव है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव मेरे मोदी जी मेरे केवल हमारे आप सबके केवल प्रधानमंत्री हैं क्या? वो हमारे आपके अभिभावक भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। 18 घंटे से अधिक 10 साल से सब लोग देख रहे हो, वह काम करते हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए। तेरा वैभव अगर रहेगा, हम विचार रहे न रहे या स्वच्छ काम देखता है, माना 2047 तक विकसित भारत बनाना कोई सरल काम नहीं है, माना तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन 56 इनके सीने वाला कहता है मानव अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। लेकिन मेरे नरेंद्र मोदी जी को मध्यधार में डूब जाना भी स्वीकार नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं को यह स्वीकार नहीं है। मेरे कार्यकर्ता लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, कोई विश्राम करेगा क्या जब तक अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लेंगे? अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यहां पर आप 300 सत्ता हो हर बूथ पर बढ़ा दीजिए,
आप विश्वास रखना, यहाँ विरोधी प्रत्याशी चाहे जो भी होगा उसकी जमानत कोई बचा नहीं पाएगा। 2024 का यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन मिलता होगा। मिलता है किसी को? जरा दोनों हाथ लगा कर मिलता है? मोदी जी ने कहा है 4 बजे 400 पार होने के साथ ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन आगे भी 5 साल तक मिलता रहेगा। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा है यहाँ बहुत सारे अन्नदाता किसान होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती होगी। मिलती है किसी को? मोदी जी ने कहा है तीसरी बार मोदी सरकार ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती रहेगी। मोदी जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए तीसरे कार्यकाल में, जब पहली बार प्रधानमंत्री थे हमारे देश का पैसा विश्व में 11वें नंबर पर था। आज हमारे देश में की अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर की है। मोदी जी ने कहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनाइए, दुनिया में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, हमारे वैज्ञानिक मुद्दे 3 थे, अयोध्या 370 और सामान्य नागरिक संहिता। आप 400 पार करिए। वोट बैंक की राजनीति के कारण सब कुछ जो किया जा रहा था वो किया जा रहा था। अभी देश में वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी। अभी देश में गरीब की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए जो काम करेगा वह राजनीति करेगी। ये सपा वाले जब सरकार देते हमसे पूछते रोजगार कितने दिए, अरे हमने तो 50 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए। लेकिन जब तुम्हारी सरकार थी तुम क्या रोजगार देते थे? कट्टा बनाने की फैक्ट्री लगाओ, बम बनाने की फैक्ट्री लगाओ, लोग के जमीन और मकान पर कब्जा करो, और जो अपराधी हैं वो थाना चलाते थे, तहसील चलाते थे, प्लांट चलाते थे, मकई चलाते नहीं चलाते थे। अगर किसी गरीब के साथ कोई जाति हो जाए और वो थाने में शिकायत करने चला जाए तो जिसके खिलाफ शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, जो शिकायत करने जाता था उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन आपको जब अवसर मिला सपा की साइकिल को पंचर कर दिया सदा के लिए। हाथी के स्वरूप को एकदम छोटा कर दिया, कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत कर दिया। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर अपील करने आया हूं, बहुत लंबी बातें नहीं है, मुख्य बात यही है प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम भेजा है, राम राम भेजा है। प्रत्याशी आदरणीय राजनाथ जी ने अभी आपसे कहा है कि 370 पूरा जोर बढ़ाना है। कहां बढ़ाना है? 2014 जिताया, 17 जिताया, 19 जिताया, 22 जिताया, ये सपा बसपा कांग्रेस वाले हार का चौका लगा चुके हैं, ये 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े हैं। आपको क्या करना? मोदी जी ने कहा है कि जो मैंने कहा था वो मैंने किया है, किया ही नहीं किया है? अब मोदी जी ने आप सबसे कहा है कि आप किस बूथ के रहने वाले हो, अपने बूथ पर जितना वोट 2019 में मिला था उसमें 370 वोट बढ़ाना है। जो लोग बढ़ा सकते हैं हाथ उठा के बताओ, सब लोग बढ़ा लेंगे? सब लोग बढ़ा लेंगे? तब मेरा जो लक्ष्य है, मैं यहां आया था राजनीति को सार्थक बनाने, कमल खिलाने और विरोध। पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी प्रशिक्षित होकर के आते थे, आतंकवादी हमले करते थे, सेना के जवानों का सर काट करके ले जाते थे। मेरे मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज सबने जब मोदी जी को पीएम बनाया तो 56 इंच के सीने वाले के समय भी पाकिस्तान की ओर से 2 गलतियां हुई। एक पूरी में आतंकवादी हमला हुआ
दूसरा पुलवामा में हुआ, दोनों हमलों की याद दिलाता हूं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कि नहीं, दोनों हाथ अगर हुई कि नहीं हुई, उन आतंकवादियों की फैक्ट्री को वहीं पर तहस नहस भारत के वीर भाग में सैनिकों ने किया कि नहीं किया, पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले का जवाब पत्थर से हमारे देश के वायु सैनिक उनकी पार्टी आतंकवादियों की को पैदा करने वाली फैक्ट्रियों में बम गिरा दिए, वो फैक्ट्री तहस नहस हो गई, चिल्लाने लगे ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले, ये तमाम भाजपा विरोधी दबलाने कि कहां हुई एयर स्ट्राइक, कहां हुई सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे पाकिस्तान के कैप्टन लड़ाकू जहाज लेकर के पाकिस्तान में घुस गए, जिनका नाम कैप्टन अभिनंदन था, हम नहीं हुए पाकिस्तान के M16 बिल लड़ाकू विमान को मार गिराया, लेकिन हमारा विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमारे कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर गिर गए। लेकिन 56 इनके सीने वाले मोदी जी की ताकत देखिए, पाकिस्तान के शासकों को बता दिया कि अगर 48 घंटे के अंदर मेरा कैप्टन अभिनंदन सकुशल भारत वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम मिटा दूंगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।